हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे मिस्टर गुलाम अली सर से, जो कि यहाँ के बहुत होनार फैकल्टी, गल्फ एक्सपीरियंस 15-20 साल के फैकल्टी हैं और ये वेल्डिंग के फैकल्टी हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ लड़के जो आते हैं, स्टूडेंट जो आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, ये लोग किस तरह से ट्रेंड करते हैं। आज वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे गुलाम सर से। जी है गुलाम सर, आप बताइए कि यहाँ पर किस तरह का लड़का लोग को ट्रेनिंग देता है। सबसे पहले जब लड़के आते हैं तो लोग क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मेरे पास लड़के आते हैं सर, उनको हम टूल्स के बारे में बताते हैं। जी, जैसे वेल्डिंग हेलमेट है जी, आपका जो ना वेल्डिंग हेलमेट कौन वाला है, पकड़ के बताइए। वेल्डिंग हेलमेट है, हैंड ग्लोव्स है, आपका ग्राइंडर मशीन है, ठीक है, चिपिंग हैमर है, ये चिपिंग हैमर है, चिपिंग हैमर है, फाइल है, देखिए फाइल है, ये वायर ब्रश, हाँ वायर ब्रश दीजिए, ये वायर ब्रश है। इस तरीके से जो ना हम सामान क्या है, ये सरसी है, अच्छा, जो गर्म चीज को पकड़ने के लिए है। चलिए, ये सब चीज उनको बताया जाता है पहले। ये क्या है? ये राइट एंगल है, राइट एंगल काम करने के लिए, ये सारा चीज बेसिक उनको। जी हाँ, सारा चीज बताने के बाद जो है फिर उसको हम वेल्डिंग में लेकर के आते हैं। जी, इस तरह जो ना पहले बार उसको हम प्लेट देते हैं, ये वाली प्लेट है, जिसमें क्या वर्टिकल नहीं वन जी पोजिशन में जो है ना पहले उसको हम करवाते हैं, दो से तीन दिन, चार दिन उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। अच्छा, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस सही होने के बाद जो है फिर हम उसको पाइप में लेकर के आते हैं। अच्छा, ये दो इंच पाइप देते हैं इस तरह वेल्डिंग करने के। बहुत अच्छा, ये है गुलाम सर, जो कि बेसिक जो इनको बताना है लड़के लोग को, ये सारे चीज बताते हैं। और भी आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मशीन के बारे में थोड़ा बताइए, वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन है ये, इससे आर्क होता है। जी जी, और एक हमारे पास में है आर्गन मशीन, आर्गन मशीन जो हाई क्वालिफिकेशन मशीन है। अच्छा, ये क्या है, बेंच वाइस का क्या? बेंच वाइस है, जिसमें कि पाइप ग्राइंडिंग करना है या कुछ करना है उसको बांध के। इसका क्या काम है? ये बेंच जो है ग्राइंडर मशीन है, जिसमें ग्राइंडिंग करते हैं हम, ट्रांजिशन ग्राइंडिंग करते हैं, या और भी कैसा कुछ टूल्स है। क्या ये ब्लोअर है, जैसे हम लोग मशीन को हवा मार करके साफ करते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं। और यहाँ एक मशीन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये ओवन है जिसमें हम लोग रॉड को गर्म करते हैं। अच्छा, ये क्यों गर्म कर किया जाता है? गर्म इसलिए किया जाता है सर, जो हमको क्वालिटी चाहिए वेल्डिंग का। अगर उसमें पेयर जो है वो रस्ट पकड़ा रहेगा तो वेल्डिंग में हमारा। ये मशीन क्या है, इसका क्या? ये मशीन जो है हम लोग पाइप काटते हैं, इसमें जैसे डिग्री में पाइप काटना हुआ या सेंटर से काटना हुआ, ये कटर मशीन है, उसमें हम लोग पाइप को काटते हैं। ये ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन थोड़ा सामने दिखाइए। जैसे हम लोग ड्रिल मशीन, जैसे ड्रिल करना पड़ता है तो हम लोग ड्रिल मशीन को यूज़ करते हैं, इसके बारे में लड़के लोग को बताते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारा कुछ नॉलेज मिला हम लोग को। और क्या मशीन है आपके पास में? मेरे पास में और आर्गन पाइप जानना चाहेंगे। ये 6 mm थिकनेस का पाइप है सर। जब लड़का जो है पूरा मैंने फुल स्मार्ट हो जाता है वेल्डिंग मारने में, तब हम उसको इतने बड़े पाइप देते हैं। और इसमें हम कौन सा पोजीशन में है? ये 6G पोजीशन में। बहुत अच्छा, और जानना चाहेंगे? वही है सर, 4 inch का पाइप है, 6 mm थिकनेस का। ये कौन सा पोजीशन में है? 6G पोजीशन में है। और ये आर्गन मशीन है, ये है हमारे मेटाडोर की आर्गन मशीन है। आप लोग देखिए कितना बेहतरीन मशीन है, काफ़ी स्ट्रांग मशीन है, यूजर रफ एंड टफ मशीन है। और दूसरा देखते हैं, आर्गन गैस है, इसके आर्गन टॉर्च है, जिससे वेल्डिंग होता है, जिसमें ये कौन पोजीशन में, ये कितने थिकनेस की पाइप पोजीशन में? अच्छा, बहुत हीट है अभी। 8 mm थिकनेस का पाइप है ये, 2 inch का जैसे बताया हमारे। जी जी जी, ये इसी से टॉर्च होता है, ये इसमें अंदर में जो लगता है ट्रांजिशन रॉड बोलते हैं, इसी से वेल्डिंग होता है। अच्छा अच्छा, समझेगी? अच्छा, ये भी ये आर्गन आर्गन टॉर्च, आर्गन गैस है। अच्छा चलिए, ठीक है हम लोग आइए। स्टूडेंट लोग से पूछते हैं कि आपको किस तरह से ट्रेनिंग होता है, कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर? आप कहाँ से आए, क्या नाम है पहले बताइए? सर, मैं जमशेदपुर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरा नाम विकास महाली है। विकास महाली, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, हम लोग जल्द ही बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं। अच्छा, हमारा सर बताते हो समझ में आती है? हाँ, पूरा हो गया। आप कहाँ से आए हैं? सर यूपी से। सर यूपी से आए, क्या नाम है? हरिराम सर। हरिराम सर, अच्छा, ये हमारे स्टूडेंट, कोई दिक्कत कोई शिकायत तो नहीं है? बढ़िया से ट्रेनिंग हो रही है। ये हमारे स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर वेल्डिंग के कोर्स कर रहे हैं। और आइए गुलाम सर से जानते हैं कि आपको जो लड़के लोग आते हैं यहाँ पर, तो उन लोग को जो प्रॉब्लम्स होती है, खास करके क्या प्रॉब्लम्स होती है? देखिए सर, प्रॉब्लम तो बहुत तरह का होता है, जैसे कि बहुत पहले भी जब लड़का आता है तो उसका हाथ जो है रनिंग में नहीं आता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। तो बहुत सा दफ़ा ऐसा होता है कि रात लड़के को हाथ पकड़ के बताना पड़ता है कि सर इस तरह जो है ना आपको वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग में बहुत तरह का खराबी है, जिस तरह खराबी जहाँ पर आता है तो उसको हम उसी वक्त फोकस करते हैं कि देखिए ये खराबी है और ये इसकी वजह से। तो कैमरा में बोलेंगे, सब दिखाइए, ये सब पाइप है हम लोग की, ये सारा पाइप जो है ना, ये कितनी ये 12 mm थिकनेस का पाइप है, इसकी पाइप है, और ये 4 inch, ये
दो इंची का पाइप है। अच्छा 8 mm थिक। अच्छा और ये वाली ये है, ये भी 2 इंची का है पाइप है। हाँ ये भी 8 mm थिकनेस का है, ये 3 mm थिकनेस का पाइप है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग सुने देखें कि किस तरह से आज ट्रेनिंग होता है वेल्डिंग ट्रेनिंग का। और दोस्तों मैं हूँ फरीद अहमद, आप लोग इस तरह से वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।